सुबह है और मेरे पास सबसे पहले है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर सेगमेंट में, और सबसे जो लीड हेडलाइन है वो यही कि ये सीजन का वर्स्ट पॉल्यूशन है जो कि झेल रहा है दिल्ली एनसीआर. दिल्ली एनसीआर एनगल्स पर टॉक्सिक हेज एंड वर्स गेट टू कम. अभी और बाकी है ये पॉल्यूशन होना. इसके अलावा एक तस्वीर दी गई है लोधी गार्डन की, जिसमें एक व्यक्ति है जो मास्क लगाकर बैठा है. इसमें यही सवाल पूछा गया है टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिए कि क्या ऑड इवन वापस आएगा, क्योंकि हर साल अमूमन इसी साल वापस आता है. और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है 40 लाख ओल्ड व्हीकल्स कुड बी हिट बाय सुप्रीम कोर्ट क्रैकडाउन. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर बैन लगाया. इस वजह से 40 लाख गाड़ियां इससे प्रभावित हो सकती हैं. इसके अलावा ग्रीन प्रैक्टिस फॉर एनसीआर नॉट फॉर एंटायर नेशन. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पूरे नेशन के लिए नहीं ग्रीन प्रैक्टिस, क्योंकि एनसीआर की आबोहवा प्रदूषित है. दूसरी बड़ी खबर जो टाइम्स ऑफ इंडिया की है, मालेगांव ब्लास्ट केस जो 2008 का केस है, एक दशक से ज्यादा हो गया है और पुरोहित प्रज्ञा चार्ज, इसमें जो चार्जेस हैं वो फ्रेम हो चुके हैं कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ. इसके अलावा 5 अन्य के खिलाफ भी जो धाराओं के तहत चार्जेस फ्रेम हुए हैं, उसके मुताबिक यूएपीए है, आईपीसी है और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट है जिसमें हत्या और टेरर फैलाने के आरोप हैं. और जो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी है, उम्र कैद की सजा है और मरते दम तक उम्र कैद की सजा है. तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की दो लीड खबरें जो मेरे पास है. और मेरे पास दैनिक भास्कर है और दैनिक भास्कर में पहली खबर, सीजन में पहली बार दिल्ली की हवा गंभीर, 3 दिन और बिगड़ेंगे हालात. सरकार ने तो ये कह दिया कि अगरबत्ती तक न जलाए, तो उसको प्रमुखता दी है यहाँ पर दैनिक भास्कर ने. और दूसरी खबर यहाँ पर है, दूरदर्शन की टीम पर नक्सलियों का हमला, कैमरामैन की हत्या, 2 जवान शहीद, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की घटना को प्रमुखता दी है. मेरे पास हिंदुस्तान टाइम्स है, कंचन और राकेश, और इसमें 3 तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी. एक 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर की तस्वीरें हैं. ये 3 तस्वीरें हैं जिसमें बताया गया है कि दिल्ली किस तरह से चौक है, क्योंकि वीकेंड पे पराली इतनी ज्यादा जलाई गई किसानों के द्वारा और इस वजह से ये चौक तस्वीरें हैं.